सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। क्या हो गया भाई तुमको? कोई नहीं। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, मैं मजामा। आज का व्लॉग थोड़ा सी सीरियस और सब हो सकता है, कुछ भी, मुझे आइडिया नहीं है, टाइटल देख के समझ ही जाओगे। कि आप लोगों को पता है, रोज निदा और मैं वीडियोस बनाने निकलते हैं, हम लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि हमारे एरिया में पार्किंग नहीं है, ट्रैफिक बहुत है, घर में स्पेस नहीं है वीडियोस बनाने के लिए, इसलिए हम ज्यादा वीडियोस भी नहीं बना पाते। तो हम लोग का टाइम भी बहुत वेस्ट होता है, टाइम टू टाइम व्लॉग भी नहीं बना पाते, ना इंस्टाग्राम पे एक्टिव है, ना यूट्यूब पे एक्टिव है। हम लोग को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है यहाँ पे। लोगों को जो पता ही है कि लाइफ कितनी बिजी हो जाती है, और इंसान को अगर टाइम नहीं मिले तो उसको कितनी प्रॉब्लम होती है। अरे भाई चुप हो जा यार, डेली से बाइक पे निकलो, पार्किंग आओ, उसमें आधा घंटा टूट जाता है, फिर यहाँ से कार लेके कहीं वीडियो बनाने जाओ तो 1-2 किलोमीटर पहुंचने में भी कम से कम 1 घंटा लगता है, तो उसमें हम लोग का टाइम बहुत वेस्ट होता है एंड वीडियोस भी नहीं बन पाती। एकदम डीमोटिवेटेड फील होता है ऐसे एनवायरमेंट में रहना। फिर से मैं अभी पार्किंग आया हूँ, यहाँ से गाड़ी लेके जाऊंगा घर वालों को लेने के लिए। हालांकि मुझे जाना है मेरे घर के थोड़ा सी दूर, बट मुझे कार लेने पार्किंग तक आना पड़ता है, जहाँ पे मेरा 1/2 घंटा 45 मिनट टूट जाता है। फिर बाद में कहीं पे हम लोग घूमने जाते हैं, वहां से सामान लेके आते हैं, तो पार्किंग से लेके घर तक बाइक पे सामान लेके जाना पड़ता है, बारिश होती है, बहुत ही प्रॉब्लम है। तो अभी हाई टाइम आ गया है कि यहाँ से शिफ्ट हो गए, ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे खुला खुला रास्ता हो, पार्किंग घर के नीचे हो, अब चीजों की अवेलेबिलिटी हो, हम लोग उतरे, वीडियो बनाए, घर पे आए, ताकि हम लोग एडिटिंग को भी टाइम दे पाए, हमारे कंटेंट को भी टाइम दे पाए, हम लोग अपने आप को इम्प्रूव कर पाए। निदा और मैंने डिसाइड किया है कि हम लोग कहीं पे शिफ्ट हो जाते हैं। हम लोग ने सोचे है, घर वालों से बात करेंगे, मैं अपने घर वालों को लेके आ रहा हूँ, निदा अपने घर वालों को लेके आ रही है, डेट पे जाते हैं वालों के साथ में, उनसे बात करते हैं, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। निदा आ गई है। अच्छा खोलू, सॉरी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और तुम बराबर वो ब्लॉग चालू कर दियो। क्या लगता है तुमको, क्या बोलेंगे घर वाले जब शिफ्ट होने का बोलेंगे आपको? आई डोंट नो, लेट्स सी। वीडियोस नहीं बन रही है, एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा लोगों का, और लोग डिमांड कर रहे कि डेली व्लॉगिंग करो। और ऐसी जगह पे है हम लोग अभी फिलहाल की, हम लोग से डेली व्लॉगिंग तो हो ही नहीं पा रही है। सोचना ही पड़ता है कि यार निकले तो निकले कैसे, इतनी ट्रैफिक, बाप रे बाप। और आप लोगों को तो पहले भी व्लॉग में बता चुके हैं हम लोग की कितनी तकलीफों से हम लोग अपनी कार को लेने जाते हैं, बारिश में भीगते हुए भी कितने बार व्लॉग बनाया आपने, और कितनी बार ऐसा हो जाता है कि मेरे कपड़े खराब हो जाते हैं। तो आई फील वेरी इरिटेटेड। एक इन्फ्लुएंसर के लिए कपड़े कितने मैटर करते हैं? बहुत मैटर करते हैं ऑब्वियसली। सबसे बड़ी बात, पार्किंग का कितना कितना पैसा भी देना पड़ता है। अगर वही पैसे इन्वेस्ट करते हैं किसी अच्छी चीज में, बेटर व्लॉगिंग भी हो सकती है, बेटर चीजें कर सकते हैं। एक मिनट, क्या बन गया है बेटा? अच्छा नहीं लग रहा, फुल बन ढन गया है ये आदमी। और मैं और इंडक्टिव तो वैसे भी थे अपन, ये इस ट्रैफिक की वजह से। बट आगे देखो, आगे मेरे को मान है, पहली बार गाड़ी नहीं चला रहा हूँ मैं। तंदूरी नाइट्स, ये कैसे मिस कर दिया? तुमने व्लॉग स्टार्ट करते हुए नहीं बोले? भूल गया मैं। 1, 2, 3 तंदूरी नाइट्स। अल्लाह अल्लाह, मेरा हाथ दर्द हो रहा है। हेलो, हाय आंटी। ओहो आंटी एंड अंकल ट्विनिंग। डेट बोल के आज हम एकदम तैयार हो गया, रोमांटिक कपल लग रहा है। तैयार हो गया, चलो मेरी इज्जत का सवाल है, मेरा चलो। अच्छा अंकल, हम लोग कहाँ जा रहे? बर्गर किंग। कभी लाइफ में गए हो? किधर? ये ऐसी जगहों पे नहीं, मैकडॉनल्ड्स, बर्गर की, फर्स्ट टाइम है लाइफ में। हम लोग वड़ा पाव खाने जाते हैं। ओके, लंबा लंबा जाता हूँ। फ्रेंच फ्राइज। अरे मतलब अंकल आंटी अभी भी जाते नहीं, घर पे माँ आके खा लेते। आंटी को आप कभी डेट पे नहीं लेके गए? गया था एक दो बार, पकड़ लिया पुलिस वाले ने। लाइसेंस बताओ, शादीशुदा हो। शादी के पहले लेके गए थे, तो उसी से जाना ही बन गया, गए थे गणपति में। और अभी भी गणपति का ही सीजन चालू है। सीजन चालू, तुम्हारा थ्रोबैक आ गया, अभी 25 साल पुराना। ट्रैफिक बहुत जाम मिलती है, हमेशा फंसा ट्रैफिक के। बस इसी चीज की वजह से आज तुम लोग से कुछ बात करना है, इसीलिए हम लोग आज डेट पे जा रहे सब लोग। देखे तुम्हारे मुंह से ही निकल गया ट्रैफिक, इतने दिल की बात तुमने बोल दी। तो फैन क्या बोल रहे थे तुम तुम्हारी मम्मी को? वो दिन में डांस सीख जाऊंगा, तुमको भी सिखा दूंगा मैं। मेरे को टाइम लगता है ठीक है, बट तुमको उससे भी ज्यादा टाइम लगता है। और जो इंसान तुमको सिखाएगा ना, वो भी भूल जाएगा कि डांस का स्टेप क्या था क्या नहीं। सुफियान की बहन की शादी के लिए डांस सीखना है। स्टेज परफॉर्मेंस है मेरा, स्टेज तोड़ना नहीं है बेटा, स्टेज पे डांस करना है। वही डिसाइड करे थे कि सुफियान कौन से गाने पे डांस करेगा। तुम बताओ तुमको क्या पसंद है, तुमको? तुम एक काम करना सबसे बेस्ट, तुम गए हो कभी बच्चे लोग के फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में? मेन डांसर रहते पीछे, सिर्फ पत्ता लेके हिलते बच्चे। ये तुम्हारे अच्छा लगेगा। सुपरमैन बना था, शक्तिमान बना था, हमारे को पीछे से ट्रेलर से लगा शक्तिमान बना था, कमाल मचाया था इसने अल्लाह कपड़े के लिए। अभी पत्ते वाला पहन के करना सुभियान तो। हाँ, हुबा वाला, हुबा हुबा वाला, सब अच्छा भी लगेगा। हुबा वाला, हुबा हिसाब से बॉडी के हिसाब से जमेगा। मैं कुछ भी पहनू लोग मेरे को ही देखेंगे, वही तेरे को देखेगा, तेरे पत्ते को देखेगा, क्या मालूम। मेरे फंकी का वो टेढ़ा कर दिया। मैं मम्मी को बोली इतना नुकसानी लड़का है, गिर रहा है वहाँ, गिर रहा है। डरते देखो लोग तुम्हारे से, क्यों ऐसे खौफ पैदा रखे हो तुम? जलवा है हमारा, दिन में भी ट्रैफिक रहती है यहाँ पर, इतना नहीं रहता। अरे तुम दिन में कभी यहाँ पर आए ही नहीं हो, डेट पे जाते हैं लोगों को मालूम है। नहीं आंटी, डेट पे कभी नहीं लेके गए, ये भी
सन, फादर लाइक सन. जैसे अंकल आपको नहीं लेके जाते डेट पे, वैसे सुफियान मुझे नहीं लेके जाता डेट पे. खानदानी है सीट पे, इसको आना भी तो चाहिए ना. सीट पे बैठ नहीं पाती हो, इसको कार में अच्छा लगता है. कार चलाना सीख लो. आती है अंकल को कार, पर अंकल नहीं चलाते. मुझे नैनो चाहिए, मेरी बहन साथ में, हम दोनों बहनें साथ में चलेगी. इट इज कोई तो आंटी का सहारा रहेगा चलने के लिए. आंटी आप क्या करोगे नैनो में? मार्केट भी जाओगे? हाँ, बाजार लेने जाऊंगी मटर. और पार्किंग क्या करेगी? पार्किंग क्या करने का? देखे पार्किंग क्या करेगी? हमारे चीज में सब क्लू दे रहे हो. और ये है क्या मतलब? ये सब चीजों का कुल्लू का मतलब कुल्लू. चुप कर उल्लू. कल्लू कल्लू कुल्लू. ओह माय गॉड. पार्किंग देने के लिए नो पार्किंग लिखा हुआ है. पर अभी देखो पेट भर के खा लो. जो बात करेंगे वो बात करने के लिए पेट में थोड़ा खाना रहना चाहिए. हाय मामा. मेरा भाई है. तो सबका खाना पीना हो गया? तभी काम की बात करें जरूर. तो निदा तुम बताओ जरा. I'm scared. तुम बोलो. लाओ मैं लेती हूँ, तुम बोलो अभी. चलो अभी हम लोग क्या सोच रहे हैं? इन्हें भी बोले ट्रैफिक बहुत है, पार्किंग नहीं है, वीडियो नहीं बन पाती. तो हम लोग सोच रहे हैं कि अभी अपन सब शिफ्ट हो जाते कहीं और. व्हाट से कहीं भी जहाँ पर ऐसा खुली खुली स्पेस हो, वहाँ पे आना जाना थोड़ा आसान हो जाए. वीडियो बनाना पॉइंट वो तो मैं जा सकता हूँ डेली, लेकिन जाने के लिए पार्किंग नहीं है ना, ट्रैफिक वाला एरिया है. साउथ मुंबई छोड़ के? साउथ मुंबई छोड़ के मैं दुबई नहीं जाऊंगी. क्या बोलते फिर बोलो. सही बोलो अब देखो, काम बराबर हो नहीं पाता ना, वीडियो बन पाती है टाइम पे. तुम लोग चले जाओ ना आराम से. हम लोग चाह रहे हैं कि सब साथ में ही है, आते जाते रहे. मेरी मम्मी तो यही रहने वाली है. आंटी यहाँ रहे, शादी बात तो तुम घर पे आओगे ना. यहाँ पे मैं सच्ची प्रॉब्लम बता रहा हूँ. तो पहले बाइक लेके जाना पड़ता है पार्किंग, बीच में सामान भी रहता, आगे बारिश होती है, ट्रैफिक रहती है, टाइम पे पहुँच नहीं पाते कहीं पर. यहाँ से चलते है जरा, थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा. सुकून जगह पे रहेंगे, खुली खुली जगह पे. मैं तो नहीं आऊँ तुम लोग. सबसे पहला प्रॉब्लम है घर से निकलते ही पार्किंग जाना पड़ता है. ये पूरा सामान लेके, इसका भी मेकअप खराब होता है, हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं पूरे. ताकि मेरे को खुली खुली स्पेस मिले, मैं वीडियो बना पाऊँ टाइम पे, एडिटिंग टाइम पे कर पाऊँ. मेरे को टाइम चाहिए खाली वीडियो बनाने के लिए. हाँ तो पहले ऐसा कर, वीडियो बनाने के लिए स्टूडियो कुछ खोल ले. अबे जा, दो दिन रहे, दो दिन हमारे पास रहे. हम लोग तुमको छोड़ने वाले तो नहीं है. बात की बात सर, आपको पे बेटा. ये मत सोचना कि माँ बाप से पीछा छूट गए. तुम लोग नहीं आओगे? आएंगे दो दिन बाद तेरे पास रहेंगे. दो दिन तू आएगा तो लेके आ जाएंगे, फिर तुमको छोड़ जाए स्कूल. तो इन शॉर्ट आंटी बोल रही कि तुम खुद का स्कूल खोल लो, यहाँ पे खुद का एडमिशन कर लो. तो चारों के सब साथ में रहो. चाहता हूँ कि मैं अभी बड़ा हो गया हूँ तो मैं सबको अच्छी लाइफस्टाइल दूँ, सबको अच्छे से मतलब मैं लेके चलूँ. जितनी भी जुड़ने भी ख्वाहिशें पूरी की मेरी, मैं भी माँ बाप की ख्वाहिशें पूरी करूँ. सपना है इंशाल्लाह. आमीन आमीन. मैं तो सही में बोल चाहता हूँ, मेरा ऐसा वीडियो के लिए नहीं बोल रहा हूँ. अलग है माल, अपने अलग है. हम लोग यहाँ बड़े हुए तो हम लोग यहाँ क्या छोड़ दो. हम लोग का लंडन मेमोरी का सब इधर ही बना लिया. हम लोग जाना पड़ता है. वैसे आप कहाँ जाने का डिसाइड किया तुमने? किधर है? मुंबई से छोड़ के नवी मुंबई से. अभी अंडर डेवलप सिटीज है, वहाँ सब बन रही है, टावर्स बन रहे हैं, अच्छे अच्छे फैसिलिटीज है. वहाँ पर पनवेल में एयरपोर्ट बन रहा है, खुली खुली स्पेस है. यहाँ पे मेन अंकल आप लोग के दोस्त है, आपके भी सब फैमिली वाले हैं, मम्मी और डड्डू के भी सब दोस्त लोग हैं, हम लोग के दोस्त हैं वहाँ पे. लेकिन अपन सब साथ में वीडियोस बनाएंगे ना डेली, क्या करने का बोलो. मैं तो चाह रहा हूँ कि सब लोग साथ में शिफ्ट हो जाते हैं, अच्छे सुकून से रहते हैं. अभी फिलहाल दोस्तों के साथ में तुम लोग शेयरिंग में क्या करते हैं, स्टूडियो बना लो, अच्छा लगेगा. सेट हो जाएगा हम लोग आते रहेंगे, फिर वहाँ सेट हो जाएगा, अच्छा लगेगा. फिर थोड़ी सीट लेंगे वहाँ पे. नवी मुंबई में मोस्टली कितने बजे तक सब बंद हो जाता है? सब सो जाते हैं 8-9 बजे तक सो जाते हैं. और डड्डू की नवी भाई सिगरेट वाले 4 बजे तक सुबह के चालू रहते. की रात होती है सुबह 8 बजे, सोते हैं और उठते डायरेक्टली 6 बजे शाम में. नहीं जमेगा वहाँ पे, जमे नहीं, क्लाइमेट ही नहीं जमे. हम लोग मालूम पड़ा रात को अगर अकेले निकलूंगा घूमने के लिए तो बोले भूत आया करके बवाल हो जाएगा.
जब यहाँ पे दिन होता है तो हमारा रात होता है और वहाँ पे रात होती है तो हमारा दिन होता है। पंचायत नहीं मिला तो मजा कैसा आएगा। तुम तो कुछ बोलो, तुम खाली मेकअप से बोले जा रहा हो। अली का आइडिया मुझे अच्छा लगा, वेरी ऑनेस्ट, कि ऐसा करते कि फ्रेंड्स के साथ स्टूडियो ले लेते हैं। ऐसा हो सकता है तो हम दोनों मिलके एक स्टूडियो ले लेते हैं, वहाँ पे फ्रेंड्स लोग को भी बुला लेंगे फॉर वीडियोस एंड एवरीथिंग। तो एक स्टूडियो रहेंगे वहीं पे रुक जाएंगे दोस्तों को भी बुला के फॉर टू डेज, और मम्मी लोग को भी बुला लेंगे सबको। तो लोग आते रहेंगे और अच्छा लगा तो वहीं रह जाएंगे ऐसा। हाँ, एडजस्ट होने में टाइम लगता है यार, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को अपने देखो, तुमने तुम्हारी लाइफ में सब कुछ किए, तुमने कमाया, तुम बच्चों को बड़ा किया, बच्चों की भी जिम्मेदारी बनती है खुद से कुछ करने की। कब तक माँ बाप के सहारे रहेंगे बताओ। पहले तू जा, एक दो महीना रह के देख, अच्छा लगेगा तो भी कुछ बात होगी। अभी आइडिया सही है कि वो स्टूडियो बना, पहले देख अच्छा लगेगा। नहीं अभी एक्चुअली फिलहाल ये टाइम ही है कमाने के लिए। 25 साल के होने वाले अभी नेक्स्ट ईयर, यही फेज है, 30 तक है, 5 साल है हाथ में तो कमाने के लिए, तो जितना हो सके ट्राई, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके देखते हैं। अच्छी चीजें चलती, आंटी लोग को भी वहाँ पर आता, अगर आंटी लोग को भी इन्वायरमेंट सूट करता, अंकल आंटी के दोस्त बन जाएंगे, बना लेंगे हम लोग इंशाल्लाह। हम लोग आंटी लोगों से बात करेंगे, बोलेंगे हमारे घर वाले आने वाले, आप प्लीज आके बात करो। चलो फिर क्या डिसाइड हो गया, स्टूडियो लेते हैं। Yes. कोई स्टूडियो ढूंढते, तो ऐसा स्टूडियो लेते मतलब जो मतलब थोड़ा बड़ा हो तो घर वाले भी आके रह सकते, स्पेशियस स्टूडियो लेते। वीडियोस बनाने के लिए भी अलग अलग बैकड्रॉप मिल जाएगा, बट एग्जैक्टली करने में मुझे टाइम जाएगा, बिकॉज़ तुम कुछ करने नहीं वाले हो। कमेंट्स में बताना कि आंटी जी आइडिया अच्छी थी। हाँ एक बार हम लोग को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आने दो, कि हमारे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं बाहर जो लोग घर से भाग जाते टू मेक देयर करियर, बट यहाँ पे हमको फैमिली सपोर्ट मिल रहा है एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड, वेरी ब्लेस्ड। चलो ठीक है निधा, फिर वही करते हैं, ढूंढना चालू करते कल से अपना काम, स्टूडियो सर्चिंग पार्टी। हाय, मैं शीला और मैं शकीला। तो हम लोग निकले हैं मम्मी लोग को राउंड खिलाने, और डैडी लोग तो ऑलरेडी बाइक लेके फुर हो चुके हैं। थैंक यू सो मच मम्मी, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। पेरेंट्स को अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, ये उनको आगे बढ़ने की हिम्मत हो, वो हर चीज का डिसीजन ले सके अपनी लाइफ में। लेकिन पेरेंट्स को बच्चों को इम्पोर्टेंट रोल रहता है, पेरेंट्स का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है। और सबसे ज्यादा माँ बाप बच्चों के साथ खुश होना चाहिए, हम लोग इतने अच्छे माँ बाप मिले जो सपोर्ट कर। डैडी लोग का छोड़ दो, मम्मी लोग हैं, मम्मी लोग है ना तुम लोग के साथ, टेंशन मत लो। नहीं तो हम लोग आ जाएंगे, हमारे पीछे पीछे खुद भी आ जाएंगे। एग्जैक्टली, डैडी लोग का तो मन ही लगेगा मम्मी लोग के बिना। बट सुफियान के डैडी थोड़े से स्टबर्न है, ऑब्वियसली मेरे डैडी तो बहुत ज्यादा ही है, क्योंकि उनको ऐसा है कि घर से जैसे बाहर निकलते तो उनके सारे दोस्त रहते हैं वहाँ पर, किधर नई जगह पे जाना, वहाँ पे एडजस्ट करना उनके लिए थोड़ा। प्लस हम लोग रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, ची ची चू चू की आवाज की आदत हो गई अब्बा को। चूचू की भी आवाज नहीं आएगी वहाँ पर, वो ऐसा एरिया है नवी मुंबई साइड। सो दरगाह पे सलामी देने आए हैं अभी। आपने क्या दुआ मांगे? मेरे मांगा मेरे को बंगला दिए। क्या चाहिए अली? गाड़ी चाहिए आपको? नदा है ये। अच्छा, आपकी जीजू के पास भी सेम है, आप उसमें बैठे हो। चलो ले जाओ गाड़ी, ले जाओ। होंडा टाटा हेलियर। हीलो होंडा टाटा हेलियर, वेरी नाइस नेम। ये मेरा ही भाई है, आई न्यू इट। कल से ढूंढना चालू करना पड़ेगा एक स्टूडियो अपार्टमेंट जो बहुत ही ज्यादा स्पेशियस हो, एंड नंबर ऑफ ब्लॉग्स हो, बैकड्रॉप्स हो। आई एम नाउ एक्साइटेड बिकॉज हम लोग अपनी फैमिली से भी दूर नहीं हो रहे, इनके साथ भी रहेंगे, काम भी अच्छे से हो सकता है। तो जब भी वीडियो बनाने का मन किया आ लो फटाक से अपने इस लोकेशन पे पहुंचो और वीडियोस बनाओ। जॉब चालू कर रहे हैं, जॉब करना चालू कर रहे हैं। जहाँ पे अपन एक हफ्ता लेते हैं दो व्लॉग बनाने के लिए, वहीं पर अपन एक हफ्ते में कम से कम 4-5 व्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह। डबल हो जाएगा, पैसा भी डबल आएगा। ये नहीं बोलना था, स्कीम नहीं बतानी थी। मम्मी लोग को ड्रॉप कर दिए हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं पार्किंग की तरफ। मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा है, घर वाले नहीं आ रहे जी, बट हम लोग कहाँ अलग हो रहे हैं। वैसे भी हम लोग वहाँ पे खाकर जाती है, बट किसी और के घर पे रुकने से अच्छा हम खुद का एक स्टूडियो लेके वहाँ पे हम रुक सकते हैं, और हमको झिझक भी नहीं होगी आज रुकते नहीं रुकते वो प्रॉब्लम तो नहीं होगी। वो सारी चीजें हमको सोचना पड़ता है जब भी हम किधर जाते किसी के घर पे वीडियो बनाने। सब देखते हैं कि अपन व्लॉगिंग कहाँ करते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, अपन जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स होती है। हमारा घर अच्छा है, ओनली थिंग इज कि फर्स्ट फ्लोर पे इतनी आवाज आती है, वहाँ पे इतनी बैकड्रॉप नॉइज़ प्राइवेसी भी नहीं है, आजू बाजू इतनी बिल्डिंग्स है कि सब लोग और बिल्डिंग खिड़कियों में बैठे रहते हैं, पर्दा भी नहीं हटा सकते कि धूप आए अंदर और हम लोग वीडियोस ले पाए। और हमारे घर में लाइटिंग्स की भी बहुत इश्यू है, प्लस स्टोरेज भी नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हम लोग घर में भी वीडियो नहीं बना पाते। आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देखे रहेंगे, मैंने जो डाली थी क्लीनिंग की, स्टूडियो था उसको हम लोगों ने क्लीन कर रहे थे, तभी प्रॉब्लम होती, कितनी इश्यूज होती है वहाँ पर। कल से हम लोग खोज हमारी जारी हो जाएगी।
आप लोग ही बताओ कमेंट में कहाँ पे अच्छी जगह पे लेना चाहिए, जहाँ हमें लोकेशंस भी मिले, एशियस घर भी मिले, जो अपार्टमेंट जिसको हम लोग बना सके, कभी भी उतरे कभी भी चढ़े, हम लोग को टाइम मिलना चाहिए जिसमें कंटेंट सोच सके, कंटेंट बना सके, एडिट कर सके, फिर नेक्स्ट डे के लिए कंटेंट सोच सके, फिर सेम रिपीट 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 काम बढ़ाना है हम लोग को। इन शॉर्ट देखो फोटोज के अच्छे अच्छे लोकेशन चाहिए रहते, सुफियान तो कहीं भी एडजस्ट कर लेता है, एक्सप्लोर करने के लिए जो चीजें है वहाँ पे पुलिस आ जाती है, इसीलिए चालू किया था क्योंकि पार्किंग नहीं मिलती थी, प्लस कोविड था वो टाइम पे, तो कोविड में जैसी कार के बाहर कदम रहो कोई ना कोई फोटो खींच लेता, चलो लाओ फाइन लाओ, तो वही चक्कर में हम लोगों ने कार में वीडियो बनाना स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह कार में वीडियो सक्सेस हो गई। अभी लोग बोल रहे हैं कार में क्यों बना रहा है, पकड़ा है पकड़ा है पकड़ा है, तो हमको भी लोकेशन चेंज करना है। पक नहीं रहा है, चलती अपनी वीडियो कार में नहीं, ज्यादातर वीडियो कार में, ज्यादातर कार में बनती। अब हम लोग चाह रहे हैं कि हम अपने पेज को थोड़ा मॉडिफाई करें, हमारा यूट्यूब चैनल को भी थोड़ा मॉडिफाई करें, सिर्फ कार और कार में वीडियोस नहीं बनाए, हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट है गाइस, बहुत सारे, इतने सारे कॉमेंट आए मुझे सुफियान के ऊपर प्रैंक करने के लिए, क्या करे, आई एम सो लिमिटेड विद द सोर्सेज आई हैव राइट नाउ, जगह मिल जाएगी तो प्रैंक होगा बेचारे के साथ, इतना प्रैंक होगा कि बेचारा सर पकड़ के बैठ जाएगा। गाइस विश अस लक, गुड विल एंड ब्लेस अस गॉड, अल्लाह अच्छा था। सो थैंक यू सो 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 मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना कि हमारा डिसीजन कैसा है, हमारी मजबूरी भी देखना आप कि हम लोग किस चीज से गुजर रहे हैं और क्या हो रहा है। वी नीड योर सपोर्ट गाइस, बस आप लोग जी जान लगा के सपोर्ट करो, हम लोग जी जान लगा के आपको कॉन्टेंट देंगे। करेक्ट, लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब करना भूलना मत। अभी देखो पार्किंग पे, अभी यहाँ से बाइक लेके जाना पड़ेगा। सो बाय बाय, अल्लाह हाफिज, बाय अल्लाह हाफिज, लव यू गाइस।